लाल परिदेश के नाल बुरी खबर है। इस बार नहीं टुटणगे ठेके ते ना ही वजणगे ढोल। ये खबर सामने आ रही ने। जलंधर तो जगबाणी ने ही खबर प्रकाशित की है, जिदे विच उन्होंने दस्सिया कि सरकार ने 12% वाधे नाल नवी एक्साइज पॉलिसी नूं मंजूरी दिती है, जिस तहत मौजूदा ठेकेदारों के ग्रुप रिन्यू करने लिए अर्जियां वास्ते 14 मार्च आखिरी मीट रखी गई है। जलंधर जोन की 56 ग्रुपों से 24 ग्रुपों के ठेकेदारों वालों अर्जियां दी गई हैं, जबकि बाकी बचियां अर्जियों लिए मंगलवार 5 बजे तक का समा रखा गया है। नवी पॉलिसी कारण इस बार ठेके नहीं टुटणगे ते ना ही ढोल की थाप ते शराब की बिक्री हो सकेगी, क्योंकि पुराने ठेकेदार 12% वाधे नाल अपने ग्रुपों नूं 1 साल लई अगे वधा सकते हैं। इसे कड़ी तहत एनओ की अर्जी देने वालों 0.6% के लगभग रकम अदा करके अपनी अर्जी जमा करवानी होगी। एक्साइज विभाग वालों मंगलवार शामी 5 बजे तो बाद अर्जियों की जांच पड़ताल की जाएगी। इस तहत कोल डिफाल्टर ठेकेदारों की अर्जियों को रद्द करने के अधिकार रहेंगे। स्वीकार किए जाने वाले अर्जियों को 48 घंटे अंदर 6% रकम जमा करवानी होगी। उत्थे ही 6% दूजी किश्त 5 दिनों अंदर जमा करवानी लाजमी होगी। शराब का हुक्म कोटा होने कारण ठेकेदारों को लिमिट स्टॉक रहिंदा है। उत्थे ही पॉलिसी तहत 2 रुपये प्रति PLF के हिसाब से स्टाक को अगले साल में शिफ्ट करने की व्यवस्था मौजूद है। इस कारण 31 मार्च को ठेके टुटने की उम्मीद करने वालों के हाथ निराशा लगी है। अधिकारियों के मुताबिक ठेकेदार निर्धारित कीमत तो घट के शराब नहीं बेच सकता, क्योंकि अजिहा करने नाल नियमों की उलंघना होगी। इन्हां नियमों के तहत इस बार ढोल की थाप से शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। उसी विभाग वालों मंगा नज़रअंदाज करदे ठेके खोलन का समा 9 तो रात 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। शराब परोसन वाले हार्ड बार च रात 1 बजे तक शराब बिक्री की जा सकेगी। कई ठेकियां ते रेटर लिस्टां नूं गाहकां दी नज़र तो दूर कर दिता गया है ताकि मनमर्जी की जा सके। उत्थे कई ठेकियां ते कुछ ब्रांडा आउट ऑफ स्टॉक है। जगबाणी दी इस खबर दे विच कई खस्से भी जताए गए ने, पर उन्होंने एक गल स्पष्ट करती है, नवीं शराब नीति दे तहत ठेके टुटण वाला रुझान बंद हुंदा नज़र आ रहा है।